हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 ऑफ क्लास 7th कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। राइट, देखो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज अपन पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे हम परसेंटेज को हाउ मेनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज का कन्वर्जन हमने बेसिकली देख लिया था, ठीक है। देखो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइसेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग और सेलिंग। जैसे मान लो, इसका मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने कोई आइटम है उसको परचेस किया, मान लो मैंने 20 रुपीज़ का परचेस किया और उसको मैंने 30 रुपये में बेच दिया। मैंने क्या किया, एक आइटम है मैंने उसको 20 रुपये में ख़रीदा और 30 में बेच दिया, तो जो ख़रीदने वाली प्राइस है उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उस आइटम की कॉस्ट प्राइस कहेंगे 20 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिस कॉस्ट से आपने उस आइटम को परचेस किया है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 रुपीज़। और इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। सीपी इज़ फॉर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने बेचा है जो 30 है वो क्या है, बेसिकली सेलिंग प्राइस। दिस इज व्हाट, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एसपी से। सेलिंग प्राइस इज व्हाट, एसपी। कॉस्ट प्राइस इज सीपी, सेलिंग प्राइस इज एसपी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने मान लो 20 का खरीदा और 30 का बेचा, तो मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। तो प्रॉफिट का वैल्यू क्या होता है, जितने का बेचा माइनस जितने का खरीदा था। प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी बड़ा है क्योंकि प्रॉफिट जब भी होगा जब आप ज़्यादा का बेचोगे, जितने का खरीदा उससे ज़्यादा का अगर आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। अच्छा, अगर मैंने यही चीज़ 20 की खरीदी होती और 10 की बेची होती तो मेरे को क्या होता, लॉस होता, ठीक है। तो लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है अब लॉस में, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो सीपी माइनस एसपी हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ टर्म्स हैं, प्राइस इज रिलेटेड टू एन आइटम है। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस से हम चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है, जिस प्राइस से शॉप की अपन ने सामान खरीदा है। सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस से उसने बेचा है। प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। लॉस इज व्हाट, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे सीख ली है, ठीक बात, अच्छी बात, ठीक है। अब देखो होता है क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालते हैं ना, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंट। अभी तो हमने क्या निकाला कि एज अ वैल्यू निकाला कि हमारे पास कोई आइटम था उसको हमने कितने का खरीदा और कितने का बेचा, तो हमने प्रॉफिट निकाला और लॉस निकाला एज अ रेट। अब बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज क्या है कि जैसे मान लो मैंने कोई भी आइटम खरीदा और बेचा उसको, तो मान लो मेरे को 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट लॉस हुआ। तो पहले अपन बात करते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फॉर्मूला इज व्हाट, प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिलेटेड ही निकाला जाता है, ठीक है। तो जितना कॉस्ट प्राइस होगा उसी हिसाब से अपन प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट हमेशा जिस चीज़, जितने की आपने चीज़ खरीदी है उसके हिसाब से, उसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अच्छा, प्रॉफिट को अपन क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये भी इसका फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंटेज लॉस, ये क्या होगा, लॉस अपॉन अगेन सीपी इंटू 100। लॉस भी किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, सीपी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लॉस को अपन क्या लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि सीपी बड़ा होता है। लॉस अगर आपको हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो ही रही होगी, अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉस परसेंट प्रॉफिट एंड दिस इज द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज एंड दिस इज फॉर परसेंटेज लॉस, ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे साइड में थोड़ा सा, उससे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि
कैसे अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक बुक है, एक बुक है मेरे पास, उसको मैंने 50 रुपये का खरीदा था। सी पी इज वॉट 50 रुपीज़ सी पी। तो कंडीशन पहला क्या है कि मैंने उसको मान लो 70 रुपये में भेजा। कितने रुपये में बेचा? 70 रुपीज़। एस पी कितनी हमारी पहले? रुपीज़ 70। तो 50 रुपये का खरीदा और 70 का बेचा, तो दिस इज श्योर दैट प्रॉफिट हुआ है मेरे को, ठीक है। तो अगर मेरे को प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो परसेंट प्रॉफिट इज वॉट, प्रॉफिट कितना हुआ 20 का अपॉन 50 × 100, ठीक है। 20 का प्रॉफिट हुआ, सी पी कितना है 50 × 100, तो ये कट गया इससे 2 times। आंसर कितना आ गया? रुपीज़ नॉट 40%, 40% का प्रॉफिट हो गया मेरे को, ठीक है। ऐसा ठीक है। अच्छा, यही सेम कंडीशन है। अब लॉस का थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। बुक का प्राइस अभी भी 50 है, अब मैंने उसको बेचा 30 रुपीज़ में। अब एस पी कितनी है हमारे पास? रुपीज़ 30। तो लॉस हुआ है, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, लॉस कितना हुआ है देखो, 50 - 30 इज लॉस, तो 20 upon 50 × 100, 20 आंसर इज वॉट, 40% का लॉस हुआ है, ठीक है। कर लेंगे, अच्छी बात। अब कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चंस आर, लिखो द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वाज, द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वाज इज ₹120। इफ द शॉपकीपर सेल इट, sells it at a loss of 10%, ठीक है। फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड, फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है अपने को क्या बोल रखा है कि द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वास इज ₹120। इफ द शॉपकीपर सेल इट एट अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। तो वॉट इज इट इज सोल्ड, ठीक है। हमें सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है, ठीक है। लॉस परसेंट दिया हुआ है, अपने को क्या दिया हुआ है? लॉस परसेंट इट इज इक्वल टू 10% दिया हुआ है, कि भाई 10% आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप कितने रुपए में उसको बेचोगे। अगर आपने की सीपी 120 है और आपको 10% का लॉस हुआ है, तो कितने रुपए में आप उसको बेचोगे, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो हमें पता है क्या कि लॉस परसेंट, मतलब एसपी निकालना है, इज इक्वल टू क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। लॉस परसेंट हमें कितना दिया हुआ है? 10। तो इसकी जगह 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू, लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, सी पी का वैल्यू कितना है? 120, तो पुट कर दिया, तो 10 इज इक्वल टू 120 माइनस एस पी अपॉन 120 इंटू 100, ठीक है। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो, ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमें क्या मिल गया? 120 माइनस एस पी अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से एस पी निकालना अपने को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 120 माइनस एस पी इज इक्वल टू 12, सो एस पी इज इक्वल टू वॉट? 120 माइनस 12, सो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? ₹108 में अगर आप उसको बेचोगे तो आपको 10% का क्या होगा? लॉस होगा। कर लेंगे, सिंपल एज दैट, ओके, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
राइट डाउन द नेक्स्ट वन. सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज रुपीज 540. इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर, इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय. What is the cost price of this toy? And what is the cost price of this toy? ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार, एक टॉय है, कार टॉय है, उसका सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ 540, मतलब SP हमें दिया हुआ है और वो कितना है रुपीज 540. If the profit made by shopkeeper is 20%, मतलब profit percent हमें given है, क्या given है profit percent, तो profit percent is equals to 10 दिया हुआ, sorry 20 दिया हुआ है. तो cost price पूछ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, CP निकालना है. ठीक है, so profit percent is equals to होता है SP minus CP upon CP into 100. ठीक है, सही है. अब पुट किया इसमें वैल्यू जो जो हमें पता है, तो 20 इज इक्वल टू SP कितना है 540 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100. ठीक है, ऐसा सही है. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 CP इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई किया तो 54000 माइनस 100 CP, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 100 CP प्लस 20 CP इज इक्वल टू 54000. ठीक बात, ये कितना हो जाएगा 120 CP इज इक्वल टू 54000. ठीक है, ठीक है, सही है. CP इज इक्वल टू व्हाट, 54 अपॉन 120. ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया. अब इसको आप देखना है कि कितनी बार जाता है. ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. देखो पहले 6 से काट दिया, 2 टाइम्स ये कट जाएगा 900. तो CP कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज आ जाएगी 450. कितना आ गया, 450 कॉस्ट प्राइस आ गया. ठीक है, 450 इज दी व्हाट कॉस्ट प्राइस, कर लेंगे, कर लेंगे. तो आज अपन ने क्या देखा कि व्हाट इज CP, व्हाट इज SP, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट एंड व्हाट इज लॉस परसेंट. तो कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि हम किसी से पैसे अगर अपन बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो हमें उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है. क्योंकि ये रूल चलता है, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, कहीं से भी लोन लेते हो, तो आपको एक इंटरेस्ट पे करना होता है, जिसको अपन हिंदी में ब्याज भी बोलते हैं. ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करा जाता है, उसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तो जब तक के लिए पढ़ते रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.